नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे दिन को सफल और उन्नति की ओर ले जाने के विषय में कि कैसे आपका दिन आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। आपको दिन की शुरुआत में क्या करके अपने घर से निकलना है, कौन सा उपाय अपनाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है ताकि संपूर्ण दिन आपको सफलता मिले। चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल की। रसोई घर की छोटी सी सामग्री आपकी मुकदमे में विजय कराएगी। आज का सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास होने वाला है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम सवित्रे नमः, यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगे, जब आप महसूस करें कि आप डगमगा रहे हैं, तो इस मंत्र को जरूर जपिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 29 जनवरी 2023, दिन रविवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र होगा भरणी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आप नोट करें, शाम 4:30 से 6 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू आपको नहीं करना है। दिशाशूल से अवगत कराते हैं। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि अपने दिन को सफल कैसे बना सकते हैं और दिन की शुरुआत में ही क्या करना है, एक छोटा सा उपाय। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लोग दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान सूर्य नारायण के सुबह उठकर दर्शन करें। फिर किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं। ऐसा यदि आपने किया तो मान के चलिए आपका दिन सफलता की ओर जरूर जाएगा। वृषभ राशि, दिन की शुरुआत में सबसे पहले देवी लक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं ताकि आपको दिन में धन की प्राप्ति जरूर हो। और किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले श्रीम मंत्र का मात्र 7 बार जाप करिए, तो ये छोटा सा उपाय, छोटा सा मंत्र आपके दिन को हर तरीके से सफल बनाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग दिन को उन्नत करने के लिए, दिन को सफल बनाने के लिए शुरुआत में सुबह के समय सबसे पहले देवी दुर्गा के दर्शन करेंगे और किसी भी काम पर जाने से पहले तुलसी के पत्ते का आपको सेवन करना है। तो भाई मिथुन राशि के लोग इस उपाय को यदि अपना लिए, इस उपाय को उन्होंने अपनाया तो मान के चलिए आपका दिन हर तरीके से सफल भी होगा और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों को क्या करना है दिन को सफल बनाने के लिए। भाई कर्क राशि के अंतर्गत जितने जो लोग हैं, शुरुआत में ही भगवान शिव या भगवान कृष्ण के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और किसी भी काम पर जाने से पहले अगर आप मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं, यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, तो बताशे या मिश्री का सेवन करिएगा। जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें ये खाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करके जाएं तो आपका कार्य सफल होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग दिन की शुरुआत में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें और किसी भी काम पर जाने से पहले अपने दाएं हाथ से किसी भी लाल फूल या लाल वस्तु को स्पर्श करें। और जब आप अपने घर से निकले महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो अपने पिता के चरण स्पर्श करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों को क्या करना है दिन को हर तरीके से सफल बनाने के लिए। कन्या राशि के लोग दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले देवी गायत्री के दर्शन करें। गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं 3 बार 5 बार 7 बार। और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले मंदिर में 1 सुपारी और 1 मोदक या लड्डू भगवान गणपति को अर्पित करें। अपने कार्य को सफल बनाने की प्रार्थना भगवान गणेश से करें। तो कन्या राशि वाले लोग इस उपाय को यदि अपनाएंगे तो उनका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। आइए अब जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, धन किसी को उधार ना दे तो आपके लिए बेहतर है। ओम मंत्र का जाप करें, शुभ रंग होगा गेरुआ। बात करते हैं वृषभ राशि की। संपत्ति खरीदने का योग बना हुआ है, आज आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, अचानक धन लाभ भी होगा। थोड़े से चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। मिथुन राशि, काम का बोझ पहले से कम होगा, नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है, धन प्राप्ति का प्रबल योग भी है, जरूरतमंद महिलाओं को, लोगों को हरे फल और सब्जी दान जरूर करें, शुभ रंग होगा हरा। मित्रों, क्रमानुसार अब आपको बताते हैं कि तुला राशि के लोगों को क्या करना है दिन को सफल बनाने के लिए। जितने भी तुला राशि के जो लोग हैं वो अपने दिन की शुरुआत में भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करें और किसी भी कार्य पर जाने से पहले नारियल की मिठाई भगवान गणेश को, देवी लक्ष्मी को अर्पित करें, उस मिठाई का सेवन करें, आशीर्वाद के रूप में खाएं, और गुलाबी कपड़े, हल्के रंग के कपड़े यदि वो पहनकर निकलेंगे तो उनका महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोग दिन की शुरुआत में ही किसी भी हरे भरे पौधे के दर्शन करें, मोरपंखी के दर्शन करें, देवी तुलसी के दर्शन करें और किसी भी काम पर जाने से पहले श्री राम स्तुति का आपको पाठ करना है और राम स्तुति का पाठ करिएगा और हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिएगा। चले जाइए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, श्री राम जी की कृपा से, प्रभु हनुमान जी की अनंत भक्ति से आपका कार्य सफल होगा। धनुराशि, धनुराशि के लोग दिन की शुरुआत में ही भगवान विष्णु को केसर का तिलक करें और वही केसर का तिलक आप अपने माथे पर भी कर लें और उनके दर्शन करें, प्रार्थना करें और ओम मंत्र का मात्र 3 बार ध्वनि करके, गुंजायमान करके, मंत्र जाप करके आप किसी भी काम पर चले जाइए, आपका कार्य सफल होगा। आपको लगता है कार्य सफल होने में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो काम पर जाने से पहले हनुमान जी को राम राम कम से कम 11 या 27 बार सुनाकर जाइए, आपका कार्य सफल समझिए। मकर राशि, मकर राशि के लोग दिन की शुरुआत में ही 11 बार, मात्र 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सफल करने के लिए एक सफेद फूल अपने साथ लेकर जाएं और एक सफेद फूल देवी लक्ष्मी या देवी सरस्वती को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को क्या करना है भाई, यदि चाहते हैं आप आपका महत्वपूर्ण कार्य सफल हो तो दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले अपने माता पिता या अपने गुरु के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ कुछ समय बैठें, बात करें और किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करिएगा, अपने घर की पवित्र स्थल मंदिर को या आपने जो पवित्र स्थल बनाया हुआ है उस जगह की भूमि को आप स्पर्श करके निकल जाइए, आपका महत्वपूर्ण और रुका हुआ कार्य सफल होगा। मीन राशि, मीन राशि के लोग दिन की शुरुआत में ही अपने घर के मंदिर में सिर झुकाएं, जो आपने धार्मिक स्थल बनाया हुआ है, जहां आपने भगवान के श्री विग्रह को स्थापित किया है, वहां पर बैठिए, कुछ उनका ध्यान करिए और किसी भी काम पर जाने से पहले केसर का तिलक भगवान विष्णु को करें और वही तिलक आप अपने माथे पर लगाकर जाइए। तो ये छोटे छोटे उपाय जो राशि अनुसार ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किए, आप उन उपायों को जरूर अपनाइएगा, आपका महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है, जीवन साथी से मतभेद होगा, कारोबार में व्यस्त रहेंगे, थोड़े से गुड़ का दान करें, शुभ रंग होगा आसमानी। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत में उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है, धन खर्च पहले से बढ़ेगा, जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें, शुभ रंग होगा लाल। कन्या राशि, विवाह की समस्या खत्म होगी, सेहत का ध्यान रखिए, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, पीली मिठाई का दान करें, शुभ रंग होगा नीला। मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर जो कि
हर दिन अपना लोग प्रश्न साझा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप उस हेल्पलाइन नंबर को नोट करिए 9643333444। इस नंबर पर यदि आपके मन में कोई दुविधा है, संशय है, कोई प्रश्न है, आपकी परेशानी है, तो आप उस दुविधा या प्रश्न को हमारे साथ साझा करें। हर संभव प्रयास करेंगे आपके प्रश्न के जवाब देने का। तो पहले दर्शक हैं जीतू सिंह, चंदौली से हैं, बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, मुझे नौकरी कब मिलेगी, या मिलेगी तो सरकारी मिलेगी या प्राइवेट, या कोई उपाय बता दीजिए। देखिए जीतू, आप मेष लगन और मिथुन राशि के हैं, कुंडली में सूर्य और केतु की युति, चंद्रमा और राहु की युति है, तो यह आपको बहुत परेशान कर रही है और ये योग भी बहुत अच्छा नहीं है। कारक ग्रह पीड़ित होने के कारण, यानी जो आपको सरकारी नौकरी चाहिए उस ग्रह का जो संबंध है वो राहु से हो गया है, पीड़ित हो गया है, जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं काफी कम हैं। अगस्त 2023 के बाद प्राइवेट नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, घबराइए बिल्कुल नहीं। सुबह के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, रविवार का व्रत करें, नमक का सेवन कम करें और अमावस्या के दिन किसी भी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक जरूर करवाइएगा। दूसरे दर्शक है मनबीर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। इनका एक प्रश्न है, घर में बहुत परेशानी है, कब ठीक होगी। मनबीर, आपकी नाम राशि अनुसार पिछले 2.5 वर्ष से मानसिक शांति का योग नहीं है, आप बहुत जो है सहज नहीं है, इस समय आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जनवरी 2023 के बाद घर में शांति अवश्य होगी। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन विष्णु स्तोत्र का 3 बार पाठ करें और केले के पेड़ की जड़ के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप अपने माथे पर तिलक कर लीजिएगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना प्रश्न साझा करिए, हर संभव प्रयास करेंगे आपके प्रश्न के जवाब देने का। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नए घर पर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, नौकरी में तरक्की होगी, परिवार में शांति बनाए रखें, घी का दान करें, शुभ रंग होगा कत्थई। वृश्चिक राशि, सेहत में पहले से सुधार होगा, उच्च अधिकारी से आपको लाभ होगा, उधार दिया पैसा डूब सकता है, लाल फल दान करें, शुभ रंग होगा कत्थई। धनुराशि, दिन आलस्य से भरा रहेगा, संतान के कारण थोड़ा चिंता आपकी बढ़ सकती है, मेहमान आने का योग बना हुआ है, अपने माथे पर केसर का तिलक करें, शुभ रंग होगा लाल। मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है, तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लगभग सामान्य रहेगा, लेकिन इस वर्ष रुके हुए धन की प्राप्ति वर्ष के मध्य तक आपको जरूर होगी। इस वर्ष अपने उधार दिए हुए पैसे की वापसी के लिए कोशिश जारी रखिएगा, आपका पैसा चाहे धीरे धीरे मिले, मिलेगा जरूर। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान भैरव के मंदिर में इमरती का भोग लगाएं, जरूरतमंद बच्चों या लोगों में बांट दें और सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक उनकी चौखट पर आपको जरूर जलाना है। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी प्राप्ति में मुश्किलें आएंगी, जीवन साथी से मतभेद खत्म होगा, घर में समय जरूर बिताएं, अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप करिए, लाभ होगा, शुभ रंग होगा आसमानी। कुंभ राशि, विदेश यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है, रुके हुए धन की आपको प्राप्ति होगी, व्यापार में अभी कोई पैसा इन्वेस्ट मत करिए, जरूरतमंद महिलाओं को, लोगों को अन्न का दान करें, शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। मीन राशि, शेयर मार्केट में निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर है, नौकरी का नया आपको अवसर मिलेगा, अपने घर की साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें, थोड़े से गुड़ का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें, शुभ रंग होगा गाजरी।
मित्रों बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने के बाद आपका महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है। एक सफेद कागज पर लाल चंदन से राम राम 108 बार लिखिए, पूरे श्रद्धा भाव से लिखिएगा और यह लिखे हुए राम राम आप हनुमान जी को भेंट कर दीजिए लाल फूलों के साथ और एक मीठे पान के साथ। आपका महत्वपूर्ण और रुका हुआ कार्य सफल जरूर होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताएंगे, यदि वो आंखों की थकान से परेशान हैं क्या करें। भाई दिन में 2-3 बार आंख में शुद्ध गुलाब जल डालें। आंवले और हरी फल सब्जियों का सेवन आपको ज्यादा करना है तो ये छोटा सा उपाय आपको राहत जरूर देगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। देवी पार्वती को लाल सिंदूर अर्पित करें और उसी सिंदूर में से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से सिंदूर लेकर अपने माथे पर और अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा, आप सुरक्षित भी रहेंगी और ईश्वर की कृपा से हर जगह सम्मानित बनी रहेंगी। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप सदमार्ग पर हैं, सही हैं, सच्चे हैं तो आपकी विजय निश्चित है। क्या करना है उपाय, आइए आपको बताते हैं। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध शहद यानी कि हनी। कैसे प्रयोग में लाएंगे, एक चम्मच शुद्ध शहद एक लोटे पानी में मिलाइए और शिवलिंग पर अपने मन की कामना बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। आपका रुका हुआ या मुकदमा यदि कोई चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आपको फायदा होगा और आप अवश्य जीतेंगे। तो मित्रों आज हमने आपको बताया कि एक छोटा सा उपाय आपके संपूर्ण दिन को कैसे सफल कर सकता है, कैसे नौकरी व्यापार में आपको फायदा दे सकता है। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।